हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप सब लोग के साथ शेयर करूंगी ये वैलेंटाइंस डे वाला लुक। अगर ये लुक आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये वीक तो प्यार वाला वीक है, तो आप सब लोग जमा के एंजॉय करिएगा और मेरे तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी हैप्पी वाला वैलेंटाइंस डे। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को प्रिप करूंगी टोनर से। नेक्स्ट मैं आईब्रो फिल करूंगी डार्क ब्राउन शेड लेकर। आईब्रो को शार्प और डिफाइन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं एक पाउडर वाला शेड लूँगी और अपने कंसीलर को सेट करूँगी। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने आई शेडो पर, तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर एज अ ट्रांजिशन शेड और उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन कलर लूँगी और पूरे आईलिड पर लगा दूँगी। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश लूँगी और अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट मैं एक रेड ऑरेंज शिमरी कलर ले रही हूँ और अपने हाफ आईलिड पर लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आईलाइनर ले रही हूँ और एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आई मेकअप इज़ कम्प्लीट ऑलमोस्ट। देन मैं एक सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये विंटर का मौसम है, तो फेस को हमेशा अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं अपने पसंद का एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये मॉइस्चराइजर स्टेप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद मैं एक कंसीलर स्टिक लेकर मेरे जो जो जगह पर डार्कनेस है वहाँ पर लगा रही हूँ ताकि वो डार्कनेस हाइड हो जाए और मेरे मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगे। नेक्स्ट मैं अपनी पसंद का एक फाउंडेशन लगा रही हूँ। आपका जो पसंद हो आप यूज़ करें। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ऑलवेज डैब ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना मस्ट है। नेक्स्ट मैं फिर से एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी यूजुअल एरिया हाईलाइट हो जाए। कंसीलर को हमेशा सेट करने के लिए लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करिएगा, तो मैं यहाँ पे अपने पसंद का एक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैं लूज पाउडर यूज़ करूँगी बेक करने के लिए। एक मिनट बेक करने के बाद मैं एक ब्रश लेके लूज पाउडर को रिमूव कर रही हूँ अपने फेस से। फेस ज़्यादा पाउडरी ना लगे इसलिए मैंने एक टोनर यूज़ किया। उसके बाद मैंने जो आई शेडो लगाया था रेड कलर का, उसी कलर ये मेरे लोअर लैश लाइन पर लगा दिया और उसके बाद एक काजल भी लगा दिया ब्लैक कलर का। आप चाहो तो वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे नोज कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी ब्रॉन्जिंग नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट चली गई ब्लश पर। उसके बाद मैं अपने ब्रावो के नीचे हाईलाइट कर रही हूँ और मेरे यूजुअल एरिया में भी हाईलाइट करूँगी। आप लोगों को जहाँ जहाँ अच्छा लगता है हाईलाइट करना, आप वाह वाह कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फॉल्स आईलैशेस लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मस्कारा इज़ बेस्ट। पहले मैंने एक रेड कलर का लिपस्टिक लगाया था तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक न्यूट कलर यूज़ किया तो उसका क्लिप